नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। अगर आप लोग अभी भी दिवाली की सफाई नहीं किया तो एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, दिवाली की सफाई करने से पहले ये 10 चीजें अपने घर से पहले ही फेंक दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से साफ सफाई कीजिएगा, जरूर माँ लक्ष्मी के आवास आपके घर में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगी कबूतरों की घोंसला। अगर आपके घर में कबूतरों की घोंसला है तो आपको ध्यान देना चाहिए, कबूतर की घोंसला को पहले साफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में बालकनी में कबूतर ने घोंसला बना लिया तो वास्तुशास्त्रों के मुताबिक घर की आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, धन में अस्थिरता बनी रह सकती है साथ में। इसीलिए आपके घर में कबूतर अगर घोंसला बना लिया हो तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए किसी और जगह आप शिफ्ट कर दीजिए, ताकि कबूतरों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर उस घोंसले में बच्चा है, अंडा है, तो उसको भी आपको ध्यान से किसी और जगह आपको रख देना चाहिए प्यार से, पर आपके अपने घर में या बालकनी में नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा है मधुमक्खी का छत्ता। वैसे तो आमतौर पर देखा जाता है मधुमक्खी का छत्ता जो है ये घरों में कम ही देखा जाता है, कभी कभी दिखते हैं बड़े बड़े पेड़ों में मधुमक्खी का छत्ता दिखने को मिलता है। अगर आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता बना लिया, आपको ऐसा दिखा कि आपके घर में छोटा मोटा छत्ता आपके घर पे दिख रही है, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको मधुमक्खी का छत्तों को सफाई कर देना चाहिए, नहीं तो आपके लिए खतरनाक होने के साथ साथ अशुभ भी साबित हो सकता है मधुमक्खी का छत्ता। इसके बाद रहते हैं मकड़ी का जाला। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में मकड़ी का जाला होना अशुभ माना जाता है, साथ ही बहुत ही हानिकारक भी माना जाता है, साथ ही सेहत के लिए भी खराब माना जाते हैं, भाग्य भी खराब होते हैं। अगर किसी के घर में मकड़ी का जाला होता है तो उनके भाग्य भी खराब होते हुए देखने को मिलता है और नुकसानदेह भी होता है। और अगर आपके घर में किसी भी मकड़ी का जाला, कहीं पे भी किसी कोने में भी मकड़ी का जाला है, तो ये संकेत है आपके दुर्भाग्य आपके बस आने ही वाले हैं। इसलिए फटाफट मधुमक्खी का जाला आपको सफाई कर देना चाहिए छोटी दिवाली धनतेरस से पहले, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चौथा है टूटा हुआ शीशा। अगर आपके घर का कोई भी शीशा टूटा हुआ हो और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की आवाज की बहुत ज्यादा होते आप देखेंगे और इससे आप देखेंगे टूटा हुआ शीशा घर में रखने से भी वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति के लिए भी शुभ नहीं होते हुए दिखा जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि ऊर्जा आर्थिक स्थिति अच्छा बना रहे, तो फटाफट जो टूटा हुआ अगर कोई विंडो को शीशा हो या फिर वैसे भी शीशा हो तो वो फटाफट हटा दीजिए। साथ ही आपको एक और चीज बताऊंगी, चमगादड़ों की मौजूदगी। आपके घर में अगर चमगादड़ की आवाज की है तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि चमगादड़ जो है दुर्भाग्य का कारक माना जाता है, इसीलिए शाम ढलते ही आप देखेंगे कई घरों के ऊपर चमगादड़ जो घूमते हैं, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। और अपने घर के सभी खिड़कियां आपको शाम ढलते ही बंद करना चाहिए, ताकि कोई भी चमगादड़ आपके घर के अंदर गलती से भी ना आ जाए। साथ ही आपको छठा है टूटी फूटी दीवारें। अगर आपकी टूटी फूटी दीवारें टूट गई है या फिर उसमें कुछ झड़ रही है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है, ये भी देखा जाता है वास्तुशास्त्र के मुताबिक बहुत ही दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, उसको तुरंत आपको ठीक कर लेना चाहिए।
नहीं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकता है। तो इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद सातवां है नल से टपकता पानी। अगर आपके घर में अगर नल खराब है तो फिर पानी के पाइप या फिर पानी के पाइप लीक होता है। इससे सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं होती बल्कि ये एक संकेत है कि आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है और साथ ही आपका पैसा जो है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपका खर्चा बढ़ने वाले है। अगर आपका नलके से पानी टपक रहे तो आप समझ जाइएगा आपकी पैसे अननेसेसरी जो है खर्च होने वाले है। इसके अलावा नौवा है बासी और खराब फूल। आप अगर पूजा पाठ करते हैं घर में मंदिर बना हुआ है तो उसमें बासी फूल आप रखे हुए हैं जमा करते रहते हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, उसको फटाफट फेंकना चाहिए। रोज आप फूल से पूजा करते हैं तो आपको रोज उस फूल को किसी जलाशय में साफ कर फेंक देना चाहिए या फिर दो दिन छोड़ छोड़ के आपको जलाशय में बहा देना चाहिए। खास करके दिवाली धनतेरस से पहले पहले ये सारा काम कर लेना चाहिए। दसवां है कोई भी बिजली का तार अगर खुले हुए है आपके घर में तो फटाफट उस तार को आपको तय कर के संभाल के आपको ठीक ठाक कर लेना चाहिए किसी बिजली वाला को बुला के। और साथ ही आपको अगर इस तरह की बिजली का तार आप ओपन छोड़ देंगे, खुला हुआ छोड़ देंगे तो इससे जो है आपकी संपत्ति के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये जो 10 चीज़ें हैं धनतेरस से पहले पहले आपको इस 10 चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आप घर की साफ सफाई धनतेरस से पहले पहले आप पूरा कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में फिर माँ लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेगा पूरे साल। ये तो आपने जान लिया कैसे आपको दिवाली से धनतेरस से पहले पहले आपका घर के क्या क्या चीज़ को आपको सफाई करने की ज़रूरत है। ऐसे ही मैं और भी पूजा पाठ और काला जादू की टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।